परम शांति बाबूजी, बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष एक क्वेश्चन लेके आए हैं। वो है, अगर व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन जीता है और उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसका भान नहीं हुआ, उसको ये ज्ञान नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली उस आत्मा का मृत्यु के बाद उसकी क्या क्या हालत होगी, और क्या वो दोबारा जन्म लेगा ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, या सूक्ष्म जगत में भी उसको आत्मज्ञान मिल सकता है, आप बताइए। देखो, जब आत्मज्ञान का लक्ष्य आत्मा का मनुष्य आत्मा का होता है, जी और मनुष्य आत्मा का हर कोई का लक्ष्य, हर ज्यादातर मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य होता है मोक्ष पाना। ठीक है ठीक मोक्ष पाने के लिए आत्मज्ञान बेसिक फाउंडेशन है। है आत्मज्ञान होगा तो ही तुम आत्मा को ही मोक्ष मिलेगा ना। ठीक है तुम आत्मा हो, स्वयं को जानते हो कि मैं आत्मा हूं, ये तो आज कॉमन चीज हो गया है ना। बिल्कुल। तो आत्मज्ञान होगा तो ही मोक्ष में आगे बढ़ेगा ना। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो मोक्ष के आगे नहीं बढ़ेगा। मोक्ष की प्रोसीजर कैसे होगी, जी मोक्ष कैसे मिलेगा? जी मोक्ष तो तुम उच्चतम परम धाम में, जहाँ लाइट हाउस है वहां जाओगे, तो उस लाइट हाउस में समा जाओगे ना। तुम्हारी आत्मा की लाइट उस लाइट में समा जाएगी। जैसे सागर में एक पानी का बूंद समा जाता है, ऐसी तरह तुम्हारी आत्मा एक पावर की बूंद है, तो आत्मा पावर के गोले में समा जाएगी, पावर हाउस में समा जाएगी, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मगर आत्मज्ञान के बिना तुम, अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका लक्ष्य था कि मैं लूंगा आज नहीं, कल लूंगा, परसों लूंगा, ऐसे लोग बहाना करके टाइम नहीं मिलता। जब बाहर टाइम नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं कि चलो थोड़ा बड़ा होके लूंगा, अभी तो छोटा है, ये एज छोटी है। मगर छोटी एज में भी शरीर छोड़ के चले जाते, एक्सीडेंट हो जाते, आजकल किसी के आयुष का पता नहीं होता। अब मन में इच्छा तो थी कि मैं आत्मज्ञान लूं, मोक्ष की विधि समझू, मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। मोक्ष माना मुक्ति, हमारी मुक्ति जीवन मुक्ति की वीडियो है। तो अगर ऐसी आत्मा अधूरीपन शरीर छोड़ जाती तो फिर मरने के बाद तो उसको ये ज्ञान से, आज बुद्धि से ही निकल जाएगा। हाँ, अंत मति सो गति, क्योंकि उसकी बुद्धि में से ही निकल, क्योंकि मरते वक्त उसको तो सब कुछ याद आएगा ना। जब एक्सीडेंट हो गई, वो आत्मा बाहर निकल गई, तो वो तो रोने लग जाएगी, देह और देह के संबंधों को याद करके रोने लग जाएगी। कई दिनों तक वो रोती रहेगी, घर में रहेगी, तो वो आत्मा को फिर वो आत्मज्ञान का जो लक्ष्य था वो भूल जाएगी, वो याद नहीं रहेगा। इसलिए आत्मज्ञान जीते जी ही पाले। ऊपर में लोक में, आज दूसरे तीसरे लोक में जाओ, भूलोक, भूगुरु लोक, महालोक, जनलोक में, तो ऊपर के लोक में चले जाओ, कई लेयर्स ऊपर है, वहां साधु संत जो बैठे हैं वो साधु संत ज्ञान दे रहे हैं, आजकल दे रहे हैं, साधु संत ज्ञान दे रहे हैं ऊपर के लोकों में भी, मगर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होते हैं। दूसरे तीसरे लोक में आत्माएं पहुंच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ नीचे नेगेटिव भूत प्रेत आत्माओं की आत्माएं ऐसी बैठी हुई है, वो तुम्हें लपेट लेगी। जैसे यहाँ मनुष्य को मतलब चाचा मामा लपेट लेते हैं ना एक दूसरे को, कोई अच्छे काम में नहीं जाने देते ना, चल ये काम नहीं करना है, चल हम कहते वो कर, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जन्म से ही बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, आत्मस्वरूप का ज्ञान देना चाहिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति देना चाहिए, और ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पहचान देनी चाहिए कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी कितने बड़े विश्व, भेद के विश्व का रचयिता है, भेद के विश्व का मालिक है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, कई कलाओं का, अनंत कोटि कलाओं का ब्रह्मांड है ऊपर में, कई हजार कला, 2000 कला, कई लाख कला, करोड़ कला, ऐसे बहुत बड़े ब्रह्मांड है। हमारा जो मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, यूनिवर्स माना 16 कला का ब्रह्मांड, तो ये सब जानना पड़ेगा, ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, तब आत्मज्ञान होगा। केवल आत्मा को पहचानने से कुछ नहीं होगा, आत्मा के साथ साथ ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पहचानना पड़ेगा। शिव कौन है, महाशिव कौन है, परमा शिव कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, विष्णु महाविष्णु, शिव महाशिव के डिफरेंस समझना पड़ेगा। गैलेक्सी यूनिवर्स में कैसे बने ये देखना पड़ेगा, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब ज्ञान सागर में डूबने पड़ेगा, तब आत्मज्ञान आएगा, और आत्मज्ञान आएगा तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगी आत्मा, तो इसी जन्म में वो आत्मस्वरूप की अनुभूति कर सकती है। अच्छा बाबूजी, अब ये बात तो खैर ये बात इतनी तो समझ आ गई कि अगर आत्मज्ञान के बिना, आत्मस्वरूप की अनुभूति के बिना अगर मृत्यु हो जाती है कोई भी आत्मा की, तो उसको फिर से तो जन्म लेना ही पड़ेगा इस ज्ञान को मगर प्राप्त आजकल करने के जन्म लिए। लेना इतना आसान चीज नहीं है। सूक्ष्म जगत में खरबो इंटू खरबो जगत लेने के लिए तरस रहे मनुष्य जीवन में, ये बात याद होनी चाहिए लोगों को,
कि मनुष्य जन्म पाने के लिए खरबों इंटू खरबों एक शरीर के अंदर गर्भ में प्रवेश करने के लिए खरबों भूत आ जाते हैं इनमें, और जो लड़ाई करते हैं जो जीत जाए वही आत्मा उसमें गर्भ में प्रवेश करके मनुष्य बन सकती है। समझ में आए? नहीं तो वो ऐसा मनुष्य जीवन पाना कोई आसान चीज नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूबल जीवन है और इस जीवन को ज्ञान मार्ग में ही भक्ति का फल ज्ञान है, और नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब पुराना ज्ञान आउट ऑफ डेट हो जाता है ना, सब कुछ हर कोई आउट ऑफ डेट हो जाता है ना। जैसे धरती पर परिवर्तन हुआ तो राजाशाही खत्म हो गई ना, अब वो डेमोक्रेसी आई ना, अब वो राजा भी साधारण मनुष्य बन गया ना, तो डेमोक्रेसी आती है ना। धरती पर परिवर्तन होता है, हर ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में परिवर्तन होता है, आकाश गंगाओं में परिवर्तन होता है, यूनिवर्स में परिवर्तन होता है, मल्टीवर्स में परिवर्तन होता है, तो हर चीज में परिवर्तन। आज का युग ज्ञान का युग है, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे दिव्य ज्ञान हो, बेहद का अलौकिक ज्ञान, बेहद का पारलौकिक ज्ञान, दुनिया कितनी बड़ी है वो समझो पहले। इसलिए मैं सबको कहूंगा आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा और आगे बढ़े। बाबू जी, आपने जो कहा ये बिल्कुल सत्य है, और आत्मज्ञान के बिना कोई भी आत्मा जो है यहाँ से वापस, केवल आत्मा नहीं, आत्मा और परमात्मा, वही आत्मा और परमात्मा, और इसको आत्मस्वरूप के साथ अनुभूति भी करें तो ही वो वापिस परमधाम की ओर वापिस जा पाएगी मृत्यु के बाद। तो सभी श्रोताओं को कहूंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है वो जरूर देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए ताकि आपको आत्मज्ञान और प्राप्त हो और आप बेहद के विश्व को बदल सकें। परम शांति, परम शांति।